पिंजौर नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नानकपुर गांव में आज दोपहर बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब मौसम में आए बदलाव और तेज आंधी के कारण एक बड़ा पेड़ वैन पर जा गिरा। जानकारी के मुताबिक गांव में कुछ बच्चों को स्कूल से घर छोड़कर जैसे ही स्कूल वैन गांव से वापस जा रही थी तो तेज हवा के कारण एक पेड़ वैन पर जा गिरा। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन की मदद से पेड़ को वैन के ऊपर से हटाकर ड्राइवर और बच्चों को बाहर निकाला। वैन में मौजूद ड्राइवर, उसकी सहयोगी और 3 स्कूल के बच्चों को मामूली तौर पर चोट आई है, जिनको स्थानीय पीएचसी में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी देते हुए घायल स्कूल वैन के ड्राइवर सुनीत कुमार ने बताया कि वो रोजाना की तरह स्कूल के बच्चों को छोड़कर नानकपुर गांव से वापस जा रहा था, तभी सामने से आ रही गाड़ी के लिए उसने अपनी गाड़ी एक तरफ कर ली, तभी तेज हवा के कारण एक पेड़ उनकी वैन पर जा गिरा। हादसे के वक्त वैन में उनके साथ 3 स्कूल के बच्चे और एक सहयोगी थी, जिन्हें मामूली तौर पर चोट आई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सुनीत कुमार जी, ये सर डेली जैसमैस रूट पे आता हूँ, आज भी मैं बच्चे उतार के वापस जा रहा था, एक गाड़ी सामने से आई, रास्ता तंगा नया काम चल रहा है, मैंने गाड़ी साइड में लगाई कि गाड़ी निकल जाएगी, अब वो गाड़ी मेरे पास से निकली है कि इतनी देर में अचानक से पेड़ ऊपर गिर गया। गाड़ी में 3 बच्चे, एक मैं और मेरे साथ एक अटेंडेंट होती है वो, हाँ सर, बच्चे की टांग फंसी हुई थी, पेड़ बहुत भारी था, 2 मशीनों की मदद से और लोगों की मदद से 25 मिनट लग गए सर। हाँ सर, लगने थी थोड़ी बहुत लगी, बचाव हो गए। सत्य खबर के लिए कालका से जयंत मोठासरा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।